गाइस सभी लोग लाइक कर दो फटाफट से, अगर आपने अभी तो लाइक बटन नहीं दबाया। प्रवीण भैया यार हमारे लिए भी थोड़ा सा बोल दो यार। नहीं, गजब बेइज्जती है। थोड़ा मसाला दे दूं? अरे नहीं यार मसाला नहीं चाहिए, थोड़ा मसाला। हाँ मसाला मसाला मसाला। प्रवीण भाई यार कैसे बातें कर रहे हो यार। ओ ओ ओ ओ ले 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 ले। आरबीजी का एमओ भी उठा के रखा था। सब उगलो क्या क्या खाए हो? सब उगलो 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 सब उगलो सब और उगलो। तुम दोनों के बैठ नहीं पड़ रहा हूँ, दूर से देखो और उगलो उगलो। जब दुश्मन रहे अपना टीम के अंदर तब कोई नहीं बन पाता सिकंदर, पर मेरे टीम में दुश्मन नहीं था एक बंदर। अरे डिस्कॉर्ड आओ, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड में बैठ। डिस्कॉर्ड में? अरे मुझे इतना डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आता है। तो रहन दो फिर। ठीक है ठीक है। तो ये स्वागत ही आपका और एक नहीं आज भाई साहब मारा मारी वाली वीडियो पर, जहाँ पर दोस्तों एनिमी को छोड़ के अपनी टीममेट को ही मारने लग जाएंगे खेल के बीच में। अब भाई साहब आज हमारे साथ खेल रहा था दो ज्ञानी गुनी व्यक्ति, एक का नाम था गॉड प्रवीण वाइटी और एक का नाम था प्राइम सुखी। सुखी नहीं दोस्तों, कुकी कुकी। मैं था डिस्कॉर्ड पे इसलिए गेम का माइक नहीं ऑन कर पा रहा था, और उस टाइम दोस्तों सब अपनी क्या हो गया का? अब भाई मैं और प्रवीण भैया था डिस्कॉर्ड पे इसलिए माइक नहीं ऑन कर पा रहा था, मैं इसलिए टाइप करके सोचा लिख देता हूँ डिस्कॉर्ड पे हूँ, डिस्कॉर्ड लिख रहा हूँ डिस्कवरी हो जा रहा है भाई पागल हो गया क्या? उसके बाद भाई साहब मैं बहुत मेहनत से लिख देता हूँ कि डिस्कॉर्ड पे हूँ, पर डिस्कॉर्ड में हूँ तो माइक तो नहीं खोल सकते हो क्या? अब भाई देखो एक तो मैं माइक ओपन नहीं कर सकता, ऊपर से दोस्तों ऑन भी नहीं कर सकता, पर दोस्तों बंदे को तो जरूर पेल सकता हूँ। तो मैं अकेले कोने में आता हूँ और सोचता हूँ भाई साहब एकदम खतरनाक वाली 400-500 किल कर लेंगे और सबके सामने हीरो बन जाएंगे और लाइक सब्सक्राइब ले लेंगे, पर दोस्तों बंदे के नाम पे 3-4 बॉट मिलते हैं और बॉट कोई शॉट लगाते हैं, पर दोस्तों सीन कुछ ऐसा रहते हैं। मेरा लाग दोस्तों आज घूमने गया था गोवा, अब भाई एक भी किल मेरे को नहीं मिलता यार, सामने जाके देखो क्या सीन होती है मेरे साथ। मैं आगे आता हूँ, इधर को आने के बाद एक बंदा दिखती है, मैं भाई साहब डेटोल की तरह 99.99% डैमेज देता हूँ, इसलिए एक डैमेज देके सब किल ले लेता भाई यार। तो यार मैं सब बंदों को फिनिश कर रहा था, अब फिनिश करते करते किल ना मिले डैमेज तो जरूर मिलेगा। अब भाई पानी के उस पार बंदा था, इस पार भी बंदा था, हर बंदे को डैमेज दे रहा था 99%, पर डेटोल की तरह किल चोरी हो जा रहा था। अब सामने जा रहा प्रवीण भैया से मार मार के अपनी ग्लेशियर स्किन चमका चमका के हमको ये जला रहा है। हम पीछे बंदा दिखते है मेरी, मैं बोलता हूँ रुको चाहे कुछ भी हो जाए मैं मारूंगा इसको। इधर से भाई डेटोल से सीधा साबुन बन जाता हूँ यार। इसी की संकट में दोस्तों गॉड प्रवीण भैया हमारे हेल्प करती है, वो गाड़ी लेके आता है और बोलता है आजा एक काम कर मैं और तू चल रहे अकेले, जल्दी बगी बैठ आजा आका जल्दी बैठ जियो ये बंदे। अब ये जियो बोल के हमको एयरटेल के नेटवर्क के पास आके छोड़ दिया जाता है और हमारा जियो का पिंग हाई हो जाता है और बंदर इतनी मेरा सामने, पर मैं किसी भी हालत में जोर जोर से भाग के दुम दमा के भाग के खोपचे में जाके किल ले लेता हूँ। अरे भाई साहब ये भैया अपनी हेलमेट पता नहीं कहाँ छोड़ के आए थे, आका खोपचे में बैठ गया है वो भी खतरनाक वाले ड्रेस पहन के। अब तो ड्रेस का डिटेल ज्यादा नहीं बताएंगे, कल को बताएंगे वो सब चीजें। अब भाई मैं बगी पकड़ता हूँ कि दोस्तों हमको किल ज्यादा से ज्यादा चाहिए था, अब भाई बगी पकड़ के मैं चलाता कब हूँ उड़ाता जाता हूँ भाई साहब एकदम पूरा सलमान खान का धूमधड़ी के तड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब भाई प्राइम कुक के हमारे पीछे पीछे आ रहा था, हम बोलते हैं ये रुको प्रवीण भैया टायर फोड़ दो, सही नहीं लग रहा है। हर बार हर एक बार क्यों यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है भाई? मेरे लग दोस्त आज मेरा साथ नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ घूमने चला गया था, पर उसी टाइम कुछ ही होता है। भाई पता नहीं ये मेरा बेइज्जती कर रहा था या फिर तारीफ कर रहा था, पर जो भी कर रहा था बढ़िया कर रहा था। मैं भैया ऊपर तो बंदे देखता हूँ
बंदा और बंदे की चकले के ऊपर में लियो भैया और एक किल मेरी खाते में और मेरी मुट्ठी में। उसके बाद हम तीनों भैया दबा के लूटर पुटर करते हैं, अपनी पोटली पोटला भरते हैं और भरने के बाद मैं चलने का सोचता हूँ, पर चलने से पहले प्राइम कुकी की गाड़ी का टायर जो है वो पंचर करके जाता हूँ भाई साहब। उसके बाद मैं और प्रवीण भैया इधर से कल्टी मारने का सोचते हैं, पर रुको रुको बंदे आगे पीछे बंदे आगे। भैया स्कोप खोल रहा था उधर बंदे नॉक नॉक नॉक। अरे ये देख के बेहोरा था भैया शॉक पर बहुत तो चाहिए यार। अरे यार ये भी तो यार देखो भैया ऐसे होते रहा तो मैं इन दोनों को बड़ा आंदोलन कर दूंगा भाई साहब, पुलिस जाके थाने में केस करके आऊंगा। इन दोनों को बराबर सजा होनी चाहिए। सामने में बंदा इसका किल तो पक्का लूंगा मैं। देखो देखो जरा ए अरे 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 साला अरे भाग रहा है। अब भाई देखो यार सीन कुछ ऐसा है भाई, किल मैं नहीं ले पाऊंगा तो यार ये वाला गेम डिलीट कर दूंगा यार भाई साहब। मेरे को और एक किल चाहिए भाई, मैं चार किल पे मार खाते हुए बैठा हूँ, चार किल किया हूँ, चार पांच बार नॉक भी हुआ हूँ। अब भाई अकेला लड़ कर दे तो मैं यहाँ से दोनों ही रहता पीछे और यहाँ से भाई साहब और एक किल खाते में। और पर इस टाइम मेरे साथ कुछ ये होता है भाई साहब, मुझे कवर दो हो जाते हैं। अब भाई बदला लेने का बारी था क्योंकि वो दोस्त हमको मारा था, हमको नेट से पहला था। अब भाई देखो बदला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामने एक बंदा मिलती है, वो भाई फैन था पता नहीं किसका। अब भाई प्रवीण भाई जी पूछता है किसका फैन है, तो भाई वो कुछ ही बोलता है। नाम मेरा कोबरा, तेरा नाम मेरा है भाई। जो 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 खाए सब उगल दो, जो 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 खाए सब उगल दो। मेरा हो क्या उगलो भाई। और यहाँ से मेरा फैन एकदम खतरनाक बोली एक चाटा मार के फट से नॉक कर देता है। नहीं अरे मत मार मत मार भाई मत मार, प्लीज रुक जाओ। अरे हो गया, रिवाइव कर दो यार रिवाइव। और यहाँ से भाई यहाँ हमारी कारियां गरम कर देते हैं। मैं नहीं चाहता इतना पीछे लग जाता है एकदम तवा से वार करता है, फटाफट फटाफट पीलता है। अब भैया मेरा फैन था, मैं किसी भी हालात में इसको मार नहीं सकता था, इसलिए मैं किल ना करके प्रवीण भैया को दे देता हूँ। और आज का वीडियो भैया इतना था। आप भाई देखो एमबी तो प्रवीण भैया आ जाती है, और भाई साहब मेरा 1000 का डैमेज था फिर भी यार एमबी कुछ नहीं मिला। छोड़ो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर मारो।